लोगों का वेलकम करता हूँ आपके अपने आरसी टीम में, राजचंद्र। और दोस्तों हम बात करें यहाँ पे खासकर पबजी लवर जितने भी हैं उन सभी के लिए एक अच्छी खबर या बुरी खबर या क्या है, मैं आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर कर दूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा पबजी यहाँ पे बंद हो चुका। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई आप लोगों को भी पता है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट में यहाँ पे सिक्योरिटी इश्यूज और यहाँ पे डेटा इश्यूज को लेकर यहाँ पे भारत सरकार ने जो चाइनीज सारी एप्लीकेशन को पिछले साल बंद किया, उसमें आपका जो प्यारा पबजी था वो भी शामिल था, इस वजह से वहाँ पे बंद कर दिया गया। लेकिन वो पबजी बोलो बंद हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं बैटल ग्राउंड इंडिया जो हाल ही में लॉन्च किया गया इंडिया में और बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे, उस गेम को बहुत अच्छी तरह से खेल भी रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं लोग यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं। और लोगों को एक चीज़ बताया जा रहा है बार बार, बहुत जगह से न्यूज़ मिल रही है कि यहाँ पे बेटर ग्राउंड लाइट एक आने वाला, मतलब बेटर ग्राउंड इंडिया जो एप्लीकेशन जो गेम अभी चल रहा उसका एक लाइट वर्जन आने वाला है, जिसको यहाँ पे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। तो जिसके बाद नॉर्मल से मोबाइल में जिसमें रैम कैमरे प्रोसेसर उतनी अच्छी नहीं है, तो उसमें भी लोग यहाँ पे उस वर्जन को इंस्टॉल करके उस गेम का लुत्फ ले पाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक यहाँ पे बात करें यहाँ पे बेटर ग्राउंड इंडिया के लाइट वर्सन को लेकर जो भी अपडेट और जो भी न्यूज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है वो कितनी सही है, ये मैं आप लोगों को सबसे पहले क्लियर कर दूँ। क्योंकि यहाँ पे आप लोग को मैं सबसे पहले लेना चाहूँगा पबजी, जब पबजी था उस समय पबजी का एक लाइट वर्सन आया था, जिसके बाद बहुत सारे लोग नॉर्मल मोबाइल जिसमें रैम वगैरह कम है, प्रोसेसर उसमें कम है, उस तरह की नहीं प्रोसेसर, फिर भी लोग वहाँ पर उस लाइट वर्सन का यूज़ में लेकर गेम को पबजी गेम को काफ़ी आसान तरीक़ों से खेल लेते थे और कोई यहाँ पे लैग और इस तरह की हैंगिंग की प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो पहले जो गेम था पबजी, जो मेन गेम था पबजी, उसमें क्या था उस वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे अगर पबजी गेम कोई इंस्टॉल करता तो उसमें अपडेट होती थी, अपडेट होने के बाद 2 से 4 GB 5 GB इस तरह की फाइल यहाँ पे हो जाती थी। तो इस वजह से वो एक नॉर्मल जिसमें कम GB वाले रैम है, नॉर्मल से प्रोसेसर, उसमें वो गेम सही तरह से वर्क नहीं कर पाता था और उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, मतलब वो सही तरह से चल नहीं पाता था। इस वजह से वहाँ पे पबजी के लाइट वर्सन को उस समय लाया गया था। लेकिन दोस्तों अभी मैं बात करूँ यहाँ पे पबजी के जैसा जो अभी गेम है बेटर ग्राउंड इंडिया, और दोस्तों अभी हम बात करें यहाँ पे जो अभी बेटर ग्राउंड इंडिया है इसकी साइज की, जहाँ तक मैं बात करूँ जो आप लोग के सामने अप्रोक्स यहाँ पे 700 MB में ये एप्लीकेशन है, और जहाँ तक बात किया जाए कि इसकी भी लाइट वर्सन की जो बातें की जा रही है, तो आपको क्या लगता है क्या ये 100 MB और 200 MB में इस तरह की गेम को बनाया जा सकता है? आपको मैं बता दूँ मुझे तो नहीं लगता। लेकिन दोस्तों मैं बात करूँ अगर बातें की जा रही है यहाँ पे लाइट वर्सन की, तो यहाँ पे अगर 700 MB का ऑलरेडी ये पहले से ये एप्लीकेशन, तो इसको कंज्यूम करके उससे थोड़ा सा और भी घटाया जा सकता है, मतलब 500 MB में भी इसको लाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद भी अगर लाइट वर्सन की बातें की जाती है तो ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे अगर जिस तरह की न्यूज़ आपको देखने को मिल जा रही है कि इसका लाइट वर्सन आने वाला है, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ कंफर्म करना चाहूँगा, फिलहाल ऐसी कोई न्यूज़ यहाँ पर निकल के नहीं आ रही है और रियल में कोई ऐसा न्यूज़ आओ बेटर ग्राउंड की तरफ से बोल सकते हो, इंडिया की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल यहाँ पर न्यूज़ नहीं आया है कि जहाँ बात की जाए कि बेटर ग्राउंड इंडिया एक लाइट यहाँ पे बेटर ग्राउंड इंडिया एप्लीकेशन सामने गेम सामने लेके आने वाली, तो ऐसी कोई यहाँ पे ऑफिशियल न्यूज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। और जितनी भी यहाँ पे बातें की जा रही है सारी फेक बातें हैं, फालतू बातें हैं और इसका कोई मतलब नहीं बनता है फिलहाल। हो सके फ्यूचर में यहाँ पे बातें की जा सकती है कि इसकी लाइट वर्सन को भी लाया जाए, लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को एक चीज़ कंफर्म करना चाहूँगा, जो भी यहाँ पे अपडेट आती है वो आपको बेटर ग्राउंड इंडिया यहाँ पे कंफर्म जरूर करेगी। तो फालतू की यहाँ पे अपडेट और फालतू की न्यूज़ सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है, और यहाँ पे फिलहाल तो यहाँ पे लाइट वर्सन की कोई उम्मीद यहाँ पे नहीं जताई जा रही, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से ही गेम का साइज़ काफ़ी कम है और इसके बाद भी लाइट वर्सन मुझे नहीं लगता। आपको क्या लगता है आप अपनी राय मुझे कमेंट्स करना। और जो भी बातें थी यहाँ पे बेटर ग्राउंड इंडिया को लेकर यहाँ पे जो आ रही थी न्यूज़ की इसके लाइट वर्सन को लेकर, मैंने आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पे बता दिया होगा, बहुत सारी चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती हो, कोई जानकारी आपके पास है तो आप हमें शेयर कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा वीडियो से कुछ जानकारी मिले मैं चाहूँगा इसको लाइक जरूर कर देना। और पल पर मैं इस तरह की टेक्नोलॉजी वीडियो हमेशा आप लोग के लेके आता रहता हूँ, इसलिए यार जानने से पहले यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में घंटी को भी दबा देना। और दोस्तों पल पल टेक्नोलॉजी रिलेटेड पोस्ट पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, और नहीं तो आप गूगल पर सर्च कर लो www.rctechhindi.com, जहां पे मैं आप लोग के लिए टेक्नोलॉजी रिलेटेड पोस्ट लिखता रहता हूँ, जिसको आप पढ़ के कुछ नया चीज़ जान सकते हो, नई चीज़ें टेक्नोलॉजी के बारे में समझ सकते हो। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टाटा।